ओम श्री गणेश नमः दोस्तों, ओम गणपति समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं 22 जुलाई गुरुवार आज के मकर राशि के दैनिक राशिफल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फायदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा और साथ ही इनका बिजनेस और व्यवसाय कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे। दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं जिससे आप तक समय समय पर नई नई महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आज का दिन। पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों आज सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में आपका विशेष दबदबा बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, व्यस्तता के बावजूद आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा कर पाएंगे। आज घर और ऑफिस के कार्यों को गंभीरता और जिम्मेदारी से सफलता पूर्वक पूरा करने में आप सक्षम रहेंगे। आज अचानक से भी आपको कोई लाभ भी मिल सकता है, कोई पुरानी खोई हुई वस्तु आपको मिल सकती है, इससे आपका मन काफी खुश रहेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी नेगेटिव बातों के बारे में। आज अचानक ही कोई बड़ा खर्च आपके सामने आर्थिक परेशानी खड़ी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह समय धैर्य और संयम से काम लेने का है। क्रोध और तनाव से परिस्थितियां और खराब हो सकती हैं। सोच समझकर संयम से फैसला लें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपका व्यवसाय और कैरियर कैसा रहेगा। व्यवसाय से संबंधित कार्यों में किसी पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। व्यवसाय में किसी भी तरह का कोई रिस्क लेने से बचें, परहेज करें। रुपए पैसों के मामले में भी किसी पर भरोसा ना करें। आज का दिन व्यापारियों के लिए सामान्य रहने वाला है। व्यवसाय में धन लाभ के थोड़े योग रहेंगे। नौकरी पेशा जातकों को अपनी फाइलें और डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखनी होंगी, अन्यथा उनका दुरुपयोग भी हो सकता है। कार्यस्थल में आज कोई उच्च पद प्राप्त होने की भी आपको संभावना पाई जाती है। विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम और सामान्य रहेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपका घर परिवार कैसा रहने वाला है। घर के बुजुर्गों और घर के परिवार की आप देखभाल और सेवा में आपके जीवन साथी का भी आपका और आपके जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग रहेगा। माता पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और भाई बहनों से संबंध और अधिक मजबूत और अच्छे हो जाएंगे। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है या मांगलिक कार्यक्रम में आप व्यस्त रह सकते हैं। दोस्तों आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। जीवन साथी से संबंध और अधिक मजबूत हो जाएंगे, मधुर हो जाएंगे। आपको जीवन साथी से कोई लाभ या तोहफा भी मिल सकता है। प्रेम जीवन के लिए उत्तम समय रहेगा। ऐसे रिश्ते जो अलग से हैं उनमें थोड़ी तकरार उत्पन्न हो सकती है, आपसी समझबूझ से यह भी दूर हो जाएगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। आज आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से दूर रहें और अधिक स्वस्थ रहने के लिए आप नियमित योग करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें और स्वस्थ रहें। दोस्तों आज आप ये विशेष उपाय अवश्य करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी को नारियल अर्पित करें और मिष्ठान का भोग लगाएं और इसके साथ ही 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो जाएंगी। दोस्तों आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। कमेंट में जय विष्णु अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय।